दिल करना सी मैं घर बच्चे कढ़ावा अपने हाथ ना लोग दाने पावा जवान करा मैं जाकर लड़ावा मैनू पता लगा मैं कई चीज़ रख यू वॉचिंग कौल सील्स। आज हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से तो आज मैंने टाइम निकाल लिया। दूसरी बात ये है कि आजकल तो कोरोना की बड़ा पता है ना आपको बम्बार है हर जगह पे, तो कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, हर चीज़ अकेडमीज़ बंद हैं, तो हमारे जैसे जो टीचर हजरात हैं वो फारिग ही हैं। तो इस फारग टाइम का तो फ़ायदा उठाया, वैसे तो मुझे टाइम नहीं था मिलता, तो मैंने कहा है आपने इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं, थोड़ा सा ट्रैवल कर लें। तो एक ऐसी शख्सियत के पास आपको लेके आए हैं जो कि बहुत मशहूर है हमारे कॉकस फील्ड में, मुर्गबाजी में, और उस्ताद सफदर के यहाँ हम आज आए हैं। तो इंशाल्लाह आज इनके साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं और आपको भी थोड़ा सा ना इनका इंटरव्यू वगैरह और इनके साथ गपशप लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर बिल्कुल रियान साहब आए जी, अल्लाह पाक इन्हें की जिंदगी देने दी है, आज आए मेरे को चलो गपशप होने कहन दी, अल्लाह पाक सब कुछ। और सुनाओ उस्ताद जी। अल्लाह पाक ले एहसान जी रियान साहब, शुक्र अल्लाह पाक ले जी, सारियां खैरन जी। उस्ताद जी पिछली बार तुम्हारे नाल मुलाकात हुई सी, माशाल्लाह तुम सेहतमंद सो, मतलब ठीक सो, तुम्हारी सेहत ठीक सी, तो हुण सजा खबर करोना फिरदा पिया। अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह माफ, अल्लाह पाक माफी देन जी। तो बस मैं तो वक्त दे नाल जी फिर आस्ता आस्ता फिर जा रहा है, जल्द टाइम गुजर जावे जी फिर आस्ता आस्ता कि सारे कमजोरियां हर इंसान दा आ जानियां। अच्छा अच्छा जी, आ गया माशाल्लाह उस्ताद जी, तुम्हारा मुर्गबाजी विच तो बहुत नाम है, तो बहुत बंदे तुहानू जानदे ने पाकिस्तान विच भी ते बाहर भी, दुनिया जानदी है, तो रब दी जात इज्जत देने वाली है जी। अल्लाह पाक जी, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। तो सब तो पहला असा गल कर सा जनाब तुहाड़ी शोहरत पर, जो तुहाड़ी फेम है माशाल्लाह, तुहाड़ा अपनी लाइफ दी तजिया सामने रख के तुसी दसो ना, तुसी ये शोहरत किंज पाई है? सर बस ये शौक सी मैनू बचपन तो ही शौक सी, तो बस अल्लाह पाक मैनू इस टाइम तक बचाया जी, मैं तो इस काबिल ही ना, तो बस भरावान दी सजना बेलियां दी दुआवां ने मैनू माजी तुसा जाना है, तुसी सानू समझाना है कि सानू दसना है अपनी लाइफ दे बारे च कि तुसी कित्थों स्टार्ट लिया इस काम च। सर मैं स्टार्ट दे इथों लिया सर, बचपन जदों सन लई तां मैनू याद नहीं, जदों मंगला डैम साडा बणिया ना जी, उस दौर च इक बंदे जिस उस मुतासर होए सन ना जी, तां मेरी उम्र जितना बच्चा इक आया सी जी मुर्गे नाल लै के, मेरे पड़ोस आ के रहा सी, उस को मैं जाच आ गई जी, उस मुर्गे नाल लैके आए थे, बस अस आपस में दोस्त बन गए सा। अच्छा। उस को बस मैं जाच आमनी आमनी जी फिर आ गई, मतलब जाहिर बात है मैं भी जेल में था, सुना है तुम्हारी रिहाइश पहले किधर और होती थी? टोक फरदोस। टोक फरदोस रहते सो तुम? तो इधर किन जाए उधर? बस इधर मेरे ससुराल ने, मेरे ससुराल ला और बेटा को नहीं, मैं कर इन्होंने बेटी बेटी कर ली। अच्छा। तो शादी की थी तो मैं था गया। अच्छा अच्छा इधर आ गए जी। तो उस्ताद जी देखो मुर्गबाजी तो तुसी शुरू की थी, असा भी किसी गल ना शुरू की, ठीक है, मतलब किसी को तक ही शुरू की जाती है, तुसी मशहूर किंज होए हो यह गल यह दसो सर। बस अल्लाह पाक ने मैनू मशहूर किया जी, बस मैनू कोई दबावा हैं जी, मैं सच्ची गल तुसा कि दसा भी जो मैंने पहला मुर्गा मिले सी ना जी सावे रंग का, उस टाइम का मैं बिल्कुल बच्चा सा नहीं, कोई सत्त अठ साल की उम्र का। अच्छा। उस दौर जी 5 रुपये बाजी होनी सी, सन बाजियां भी बंदे इन्ने सी जी देने, अजे भी हजारा बंदे 2-4 बंदे भी जो जीवन होने अजे भी, तो उस मुर्गा जी बहुत ही अच्छा आउट क्लास मुर्गा सी सर। उस बाद मेरे को मादी परे मुर्गे रहे ने, वो भी बहुत अच्छे मुर्गे रहे ने। उस बाद आस्ता आस्ता मैं जवान हो गया जी, तकरीबन 50-52 साल या 52 साल हो गए उस, उस बाद ही पापे लतीफ मैंने दिते सन जी 2 अंडे। अच्छा। जेडे समझो कि ज्यादा तादाद में मुर्गे लड़ाए ने, ज्यादा तादाद ज्यादा मुर्गे लड़ाए ने। सही होगा, बस मेरी अल्लाह पाक की मेहरबानी थी, तो मैं लड़ाई बिल्कुल, मैं तो कुछ कर ही ना सकता। तो तुसी ज्यादा शौकीन पिड़ा दे रहे हो, मतलब पिड़ा च तुसी लड़ांदे रहे? पिड़ा च मैं लड़ांदा रहा जी, मैं बहुत ज्यादा लड़ाने का शौक सी। तो ब्रीडिंग का भी नाल नाल शौक रहा है, जारी बात है नस्ल उस हिसाब नाल बनांदे रहे जी, मैं सब नालों ज्यादा ब्रीडिंग का शौक सी, मेरा ये दिल करना सी मैं घर बच्चे कढ़ावा अपने हाथ नाल लोग दाने पावा जवान करा मैं जाकर लड़ावा मैनू पता लगा मैं कई चीज रखी। उस्ताद जी तुसी देखो सावे रखे, मादिये रखे, लाखे रखे, मुश्के रखे, सब तो ज्यादा तो आड़े दिल नू जेरी चंगे लगने वाली नस्ल वो केड़ी सी?
सर जो मैं लड़ाए न लसानी मुर्गे मैंने सब लोग अच्छे यही लगे लेकिन जो मैं सब दिनों पहले सावा मुर्गा मिले जी मैं अज दिन तक नहीं भुलाया जी तो ना ही मेरे शोक मरण तक मैं भुलेगा जी। अच्छा जी उस बंदा तुम्हारा पड़ोसी गवाह है अमजद 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 खुदा भी तो जाना जी मैं टाली आले तू लिया उस दौर से 50 रुपए का 20 रुपए का मुर्गा मिले खूबियां उस खूबियां सन जी खुले किल लड़ाओ तो किल मारना सी कुकुल की दूसरे पास किल काट देना सी लत नाल उसकी गर्दन दूसरे मुर्गे दी सीगी रहने सी सख्ती ना पैर मारदा सी नाल किल दूसरे पास निकल जांदा सी बन किल भी कुकुल ना लड़ा ना जी दोबारा कुकुल लड़न दे काबिल नहीं सी काबिल नहीं सी तो मतलब बंद किल उसनु तुसी लड़ाया बन किल लड़ाया तो नहीं जी लेकिन हजारा बंदे ने मुर्गे उस टाइम मरवाए तपाए नंबर तपाए तीन चार दफा जी खुले किल लड़ाया जी अच्छा तीन चार दफा लड़ाया जी उस टाइम दौर जैसा कि बाजियां नहीं सी देंदे बचे रहे होंदे सा